जब शिपिंग करते हैं भाई शूज़ के अंदर डालते हैं जो नॉर्मल ओरिजिनल बॉक्सेस होते हैं वो इधर उधर फेंकते हैं जैसे शिपिंग वाले तो वो टूट जाते हैं डैमेज जाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शू है क्योंकि इसमें कुछ खासियत है भाई। कंफर्ट की जब भी बात आती है एक ही ब्रांड हमेशा दिमाग में आता है जिसका नाम है स्केचर्स। एक आपको डिस्क्लेमर पहले दे दूं भाई ये वीडियो बजट में नहीं होने वाली क्योंकि हम स्केचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये शूज मैं बिल्कुल भी कॉलेज वाले लड़कों को रेकमेंड नहीं करूँ क्योंकि इनकी स्टार्टिंग ही 5000 रुपए से है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो वहां पर बहुत सारे बजट शूज आपको पहले ही दिखा रखे हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारा बजट है और तुम मोटी पार्टी हो व्हाई नॉट गो फॉर दीज क्योंकि इनमें बात ही अलग है। लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग नाउ। सबसे पहला बॉक्स आया था कुछ इस तरीके का बिल्कुल प्लेन पैकेजिंग है कुछ इसमें ज्यादा इसमें इन्होंने उल्टी सीधी चीजें नहीं लिखी है ना ब्रांड को इतना ज्यादा प्रमोट किया क्योंकि स्केचर्स भी ना ऊपर छोटा सा ही लिखा हुआ ज्यादा बड़ा नहीं लिखा एंड आर्च फिट करके इनकी एक टेक्नोलॉजी आती है जो कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बोली जाती है इसमें। एंड देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मॉडल का नाम अगर आपको बताऊं तो यहां पर आ जाता है आर्च फिट रोड वॉकर के नाम से। यहां पर पूरा साइज दिख जाएगा। ये जो साइज है ना ये मत सोचना कि ये यूके साइज है ये यूएस साइज होते हैं क्योंकि ये बाहर का ब्रांड है इंडिया का नहीं है तो ये यूएस साइज में ज्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे ये यूके 9 है जितना भी यूएस साइज होता है ना उससे एक साइज नीचे हमारा साइज होता है। स्केचर्स की एक अच्छी बात और है कि अगर आप इसको एडिडास और नाइकी से कंपेयर करोगे ना एक बार जिसने स्केचर्स या एसिक्स या फॉर दैट मैटर किसी भी ऐसे ब्रांड का जूता पहन लिया उसके बाद वो ना उन वाले तरफ ज्यादा जाता नहीं क्योंकि उनमें चमक धमक ज्यादा है कंफर्ट नहीं है। इनमें चमक धमक इतनी नहीं है बट कंफर्ट सुपर। सो लेट्स सी इस बॉक्स के अंदर क्या है। ऑल्दो मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ लेकिन तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ भाई। ये है सबसे पहला शू जो कि आता है आर्च फिट के नाम से रोड वॉकर। इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो ना गुड ईयर भाई जो टायर हमारे उसमें लगते हैं गाड़ियों में बाइकों में वो वाला ब्रांड आपको इसमें नीचे सोल में देखने को मिलता है। रोड वॉकर इस शू का इसलिए नाम है क्योंकि ये बिल्कुल रॉकेट शू है। अगर आपको भाई ऐसे बंदे हो ना जिसको बहुत ज्यादा ऐसे चलना पड़ता है बहुत ज्यादा भागना पड़ता है दौड़ना पड़ता है वैसे वाला नहीं कह रहा कि आप एथलीट हो तब उसके लिए अलग शू दिखाऊंगा लेकिन अगर आपकी वॉकिंग बहुत ज्यादा है आपके लिए ये वाला शू बेस्ट होने वाला है। इसकी अगर सोल की बात करें तो भाई प्रॉपर एक आपको यहाँ पर टायर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर गुड ईयर के साथ कोलैबोरेटेड ये वाला ब्रांड है। एक और इसकी अच्छी बात यह कि ये रफ एंड टफ शू इसलिए बन जाता है क्योंकि ये वाटर रेपेलेंट है। स्केचर्स की यहां पर आपको पीछे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड जो इसकी सोल है ना वो काफी ज्यादा रिजिड है मुड़ तो सकती ही नहीं पता नहीं भाई कैसे मोड़े हो इसको। और इसका जो फिट है वो स्नग फिट नहीं है रेगुलर फिट है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत जकड़ा हुआ जूता पहन लिया क्योंकि वॉकिंग के लिए एक रेगुलर फिट जूता होना चाहिए। ऊपर आपको यहां पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है नाम देखने को मिल जाता है एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये वाटर रेपेलेंट है पानी इस पे गिरेगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार अंदर तक पानी सीप इन हो रहा है व्हिच इज रियली ग्रेट। एंड अगर मटेरियल की बात करूं यहां पर आपको स्वेड देखने को मिलता है विच इज अमेजिंग इटसेल्फ। इन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आप वहां से खरीदोगे तो प्रॉब्ली आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा रादर देन गोइंग फॉर द ऐप क्योंकि वहां से शायद इतना आपको डिस्काउंट ना मिल पाए। एंड ये वाला शू है मेरा फर्स्ट पिक विच इज क्वाइट अमेजिंग। नेक्स्ट बॉक्स मेरे पास थोड़ा सा अलग आ जाता है क्योंकि जो मैंने अजियो से शॉपिंग करी है ना वहां पर आपको अजियो की ब्रांडिंग वाला शू बॉक्स देखने को मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर लिखा है जब शिपिंग करते हैं भाई शूज इसके अंदर डालते हैं जो नॉर्मल ओरिजिनल बॉक्सेस होते हैं वो इधर उधर फेंकते हैं जैसे शिपिंग वाले तो वो टूट जाते हैं डैमेज हो जाते हैं एंड उनकी गलती नहीं है तो उसके हिसाब से इन्होंने ये वाला दिया है। लेकिन आपको कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी कि हाँ यार मैंने गलती से भाई कोई फ्रॉड या चीज तो नहीं मंगवा लिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये ओरिजिनल ही है। स्केचर्स की आई डोंट थिंक कॉपीज भी बनती होंगी बनती है तो कमेंट करके बताओ जरा। बाय द वे शू को दिखाने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग सब्सक्राइब करो इतने परसेंट लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कैसे चलेगा। सो नेक्स्ट शू मेरे पास आ जाता है सबसे कूल लुकिंग आउट ऑफ द लॉट वो है इस तरीके का दिखने वाला स्केचर्स का अगेन आर्च फिट इसमें देखने को मिलती है। आर्च फिटिंग की टेक्नोलॉजी है तो यहां पर आपको उसकी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड साथ ही साथ स्केचर का एस जो है वो काफी अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाता है यहां पे। पता है जब न्यू बैलेंस भी स्टार्टिंग में आया था जब उसका एन था ना मुझे लगा नाइकी ने अपना लोगो चेंज कर लिया बहुत पुरानी बात है जब नया नया इंडिया में उसने अपना स्टेप इन किया था तब मेरे को लगता था यार हाँ नाइकी के शूज़ पहन के जा रहे हैं बट वो न्यू बैलेंस था एंड यहीं पर एक सिंपलिस्टिक मिनिमल डिजाइन वाले जैसे एस लिखा हुआ ना तो इससे पूरे शू की पहचान हो सकती है। अब कोई भी दूसरा ब्रांड होगा जो एस लिखना चाहेगा वो कभी नहीं लिख पाएगा क्योंकि इन्होंने अपनी मोनोपोली उस चीज में बना ली है। बेकार है भैया मैं तो टूट गया। ये प्रीवियस वाले शू से लाइट वेट है लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं स्केचर्स का जो कंफर्ट होता है वो एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल का होता है एंड ये जो शू है ना आपको थोड़ा सा हैवी देखने को मिलेगा उन शूज से जिनकी EVA सोल होती है क्योंकि इसकी EVA सोल नहीं है भाई। यहां पर आपको हल्का हल्का ऐसा स्वेड फैब्रिक टाइप का देखने को मिलेगा एंड ऊपर यहां से मैच देखने को मिलता है बिल्कुल एक प्रॉपर स्पोर्ट्स शू की लुक आती है। तो अगर आप इसको अपने जिम में पहनना चाहते हो तब आप इसको वैसे यूज कर सकते हो। थोड़ा सा चंकी आपको यहां पे सोल देखने को मिलती है जो कि इसको चंकी शू की तरह भी अप्रोप्रिएट बना सकता है एंड उसकी स्टाइलिंग भी आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको स्टाइलिंग ऑप्शंस देखने मेरे इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आते वहां पे इतनी सारी रील्स आपका वेट कर रही है। इन सोल के कंफर्ट की बात करें तो यहां पर आपको जो सोल देखने को मिलती है ना भाई मेमोरी फोम वगैरह नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा
ज्यादा कंफर्टेबल है। ये है स्नग फिट का शू, तो आपको ऐसे रेगुलर फिट वाली चीज तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो इसकी सोल है, जो इसकी बनावट है, जो ओवरऑल लुक है, आई थिंक आपको काफी ज्यादा इंप्रेस करने वाली है फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। दिस इज द सेकंड शू ऑन माय लिस्ट एंड रियली अमेजिंग। लास्ट शू मेरे पास आ जाता है इस तरीके का, अगेन बॉक्स में देखने वाला, आर्च फिट ग्लाइड स्टेप, अगेन साइज इज US 10, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये काफी इंटरेस्टिंग शू है क्योंकि इसमें कुछ खासियत है, तो अगर तुम बोर हो गए नॉर्मल शूज पहन पहन के, ये आ जाता है कुछ अलग तरीके का शू। एंड लुक एट इट, सोल से लेकर पूरी बनावट इसकी काफी यूनिक है। ऑब्वियसली आपको ऊपर से लग रहा होगा यार, तो ऐसे बहुत सारे शू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन जो चीप शू ब्रांड्स होते हैं या फिर जो बजट शू ब्रांड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन बड़े ब्रांड्स को कॉपी करके आपको दे देते हैं एंड उनका कंफर्ट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लो होती है। अब बात करूं अगर सोल की, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, गुड ईयर का अगेन ये वाली जो सोल है, यहां पर आपको रबराइज फॉर्म देखने को मिलती है। ऑल्दो यहां पर ये जो चीज है ये शायद अलग है, लेकिन ये वाली ऑब्वियसली गुड ईयर वाली है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी भी है ना, और अगर आपको थोड़ी सी एलिवेशन देनी है अपनी ओवरऑल लुक में, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा लंबा दिखना, ये वाला शू वहां पर आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये 2 से 3 इंच तो आराम से आपकी हाइट में प्रोवाइड कर देगा। बात करें ब्रांडिंग की, पीछे हल्की हल्की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एंड ओवरऑल अगर शू के लुक की बात करूं, तो भाई कहीं से कोई दूर से बोल ही नहीं सकता कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्पोर्ट्स शू है, क्योंकि ऐसे जो बीच में ऐसी चीजें आ रही है ना, इसमें छेद से जो रखे हैं, वो काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं। आपको इसमें से देखूं मैं बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कलर ऑप्शन इसमें बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ऑल्दो अगर इसके अपर की बात करूं, तो वो क्वाइट नॉर्मल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। अगर हम इनसोल की बात करें, तब आते हैं मजे, क्योंकि आपको सेम इनसोल देखने को मिलती है, विच इज एयर कूल्ड, एंड इसको पहनते ही ना जो कंफर्ट आपको मिलेगा, भाई भागने का मन करेगा इसको पहनते ही, तो मैं पक्की बात कह रहा हूं आपको। सो यार, इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे और भी अवेलेबल है, अगर तुम लोग चाहते हो इसको देखना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो ये वीडियो थी उन लोगों के लिए जो कि स्केचर्स पहनना चाहते हैं, कभी ट्राई नहीं किया बट चाहते हैं कि यार एक बार देख के रिव्यू मिल जाए, तो भाई तुम्हारे लिए बंदा हाजिर। अब इसी हाजिरी के लिए यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इतने सारे बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड दिस इज रियली हर्टफुल यार, दर्द होता है। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि स्केचर्स के बहुत बड़े फैन है, या फिर किसी भी चीज के, शूज के, कपड़ों के फैन है, क्योंकि मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। ऑल्दो व्लॉग्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, बट या अनबॉक्सिंग हमारा मेन चीज हो गई है। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।